ओम नमः शिवाय। षट कर्मों में एक कर्म है मारण कर्म, और इसके बारे में मैं कम ही बताता हूँ क्योंकि इसको करना वर्जित है हमारे शास्त्रों में, लेकिन फिर भी जब जान पर बनाए तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मारण कर्म का जो उद्देश्य है वो है किसी के प्राण हर लेना। मीलों दूर बैठकर आप किसी के भी प्राण हर सकते हैं, किसी को लूला लंगड़ा कर सकते हैं, किसी का मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। जिस तरह से आप दूर बैठे बैठे टीवी का रिमोट हो उससे टीवी चला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मीलों दूर बैठे बैठे किसी को भी पागल कर सकते हैं, उसके प्राण हर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित है। कुछ मंदबुद्धि मारण प्रयोग का गलत उपयोग भी करते हैं, तो ये सरासर गलत होगा। आप मारण मंत्र की विद्या को कभी भी किसी का अहित करने में ना लगाएं। लेकिन जब कोई बैरी आपको परेशान कर दे, आपको बिल्कुल हताश कर दे और आपको और कोई रास्ता दिख ही ना रहा हो, तब ये तंत्र काम आता है। तो याद रहे, इसको किसी का अहित करने के लिए कभी प्रयोग ना करें जब तक कि आपकी जान पर ना बनाए। और अगर कभी आपको ऐसा लगे कि इस तंत्र का प्रयोग करना है तो एक बार ज़रूर देखिएगा कि ये सही रहेगा, क्योंकि ये सबसे आखिरी में प्रयोग किया जाता है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं उसके बाद ही इसका प्रयोग कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक मारण का यंत्र जिससे कि आप किसी को भी मीलों दूर से कुछ 11 से 21 दिनों के भीतर भीतर पागल कर सकते हैं, मानसिक संतुलन उसका खराब कर सकते हैं, स्तंभन कर सकते हैं उसका, या फिर इतना ज़्यादा बीमार कर सकते हैं कि वो बेड से ही ना उठे। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसकी एक फ़ोटो कहीं से भी अर्जित कीजिए, उसके पीछे ये यंत्र बनाइए। इस यंत्र को बनाना होगा काले कौवे की पंख से, और इसकी जो शाही होगी इसमें आप अपना थोड़ा सा रक्त लगाएं, और जो भी शाही आप यूज़ करें वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी जीव का रक्त होना ज़रूरी है। या तो आप चमगादड़ का रक्त लीजिए या फिर अपना खुद का रक्त लीजिए, लेकिन इसमें रक्त डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस यंत्र को बनाइए और किसी ऐसी जगह गाड़ाइए जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो, सुनसान होना चाहिए, दूर दूर तक किसी आदमी का वहाँ पर आगमन नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह में जाकर इसको गाड़ाइए और फिर देखिए 21 दिनों के भीतर भीतर वो जो भी होगा वो आपकी जैसी मंशा होगी बिल्कुल वैसा होगा उसके साथ। तो ये प्रयोग कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इसने आपके लिए वैसा ही काम किया जैसी आपकी मंशाएं थी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसमें जाकर आप अपनी जो भी समस्या वो भेज सकते हैं, या फिर अपनी जो भी कमेंट्स हैं वो वहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद।